मैं बस 5 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। ओके सर। Don't you ever call me again, you jerk. Is everything okay? Yes. मैं जिसको कैजुअली डेट कर रही थी वो मेरी ही फ्लाइट में किसी और के साथ में कैजुअली मेकआउट कर रहा था. Rest everything is okay. आपको और कुछ पूछना है? अगर नहीं तो रोड पे ध्यान दीजिए. Bloody all men are jerks. Drop कहाँ पे है आपका? Drop location आया होगा ना? वो उस कैब में आते हैं जो आप बुक करते हैं. तो क्या ये 6955 नहीं है? नहीं, ये 6599 है. तो आपने कुछ बताया क्यों नहीं? Because all men are not jerks. Miss Perfect 10. ये नाम तुम्हें कैसे पता? Now you're scaring me. Don't be scared. I'm Shabd Agarwal. वो विद्या मंदिर हाई स्कूल उदयपुर. हम 8th स्टैंडर्ड तक सेम सेक्शन में थे. Anyways, मुझमें वैसे भी ऐसा कुछ याद रखने लायक था नहीं. वो सब क्वालिटीज तो तुम में थी. गुड इन स्टडीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, और टीचर्स की फेवरेट, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्यूटिफुल, आर्टिस्टिक एंड सो ऑन. I'm really sorry. Actually, इतने टाइम में लोग बदल भी जाते हैं. पर तुम बिल्कुल वैसी हो. Yeah, yeah. तुम मुझे अपना नंबर दे दो. I'll transfer the money. It's okay. Ride was on me. No, I'm already very embarrassed. Please. देखो मैं पैसे तो नहीं लूंगा, but अगर तुम एक फेवर कर सकती हो तो कर दो. क्या फेवर? Can you please follow my page on Insta? It's hashtag smile please. Hashtag smile please तुम्हारा पेज है? याने ये पिक्चर तुमने लिए? ये हाँ ही मैंने लिए. So cool. You know, I love your pictures. तुम्हारी हर एक पिक्चर में एक इमोशन है. वैसे अगर आप नंबर नहीं दोगे तो मैं फॉलो नहीं करूंगी. ओके. इट्स 7582. Really sorry, but किस नाम से सेव करूं? It's okay. It's Shabd. SHABD. वैसे मैं एयरपोर्ट के आसपास ही ऑपरेट करता हूँ. तो किसी दिन तुम्हें कैब ना मिले, तुम्हारे पास मेरा नंबर है ही, so contact me. Definitely. Thank you and sorry. I was rude earlier. It's okay. Don't be. हर दिन perfect नहीं होता. वैसे I know it's none of my business, but don't give up on men. अभी भी दुनिया में बहुत सारे अच्छे लड़के बाकी हैं. And I'm very sure तुम्हें तुम्हारा परफेक्ट गाय मिल जाएगा. Thanks. Take care. You too.
इम्प्रेसिव. शब, तुम्हारी पिक्चर्स में काफी पोटेंशियल. थैंक यू सर. हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नए फोटोग्राफर्स को चांस देते हैं, तो अगर तुम लव और जॉय की थीम पर कुछ अच्छी पिक्चर्स ला सकते हो तो मैं पक्का उन्हें कंसीडर करूंगा. सर, आई विल डू माय बेस्ट. ओके. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर. ऑल द बेस्ट. सीट आगे लेना. अरे थोड़ी और आगे लो ना. हाय शब्द. हे. शब्द और मैं स्कूल में साथ में थे. इनफैक्ट इज अ वेरी गुड फोटोग्राफर. वैसे ना आज मैं फोटो खिंचवाने के मूड में हूँ नहीं. हमारे फोटोग्राफी पेज पे अब कितने लाइक्स आ गए? रोड पर कंसंट्रेट करने दो ना. हम दूसरे पर करते हैं. क्या गाड़ी चलाने नहीं आती क्या? बाय द वे आई एम वेरी हंग्री. मी टू बेब. प्रतीक. व्हाट? स्टॉप ईटिंग दिस गार्बेज. कम से कम फिगर का तो ख्याल रखो यार. देखो बैग निकाल मेरा. प्रतीक, दैट्स नॉट हिज जॉब. मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारा ये जो स्कूल फ्रेंड है वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है. नहीं, मैं खुद ही निकाल लेता हूँ. लो करो, चल करो. आज प्रतीक का मूड थोड़ा अपसेट है इसलिए. मूड तो चेंज होता रहता है पर नेचर कभी चेंज नहीं होता. यू डिजर्व बेटर. हेलो. यू लुक सो क्यूट. और तुम ये देख कर रहे हो? कहीं नहीं. यस, आई डंप्ड हिम. पिछले 6 महीनों में मैं 5 लड़कों को डंप कर चुकी हूँ. I need your help to find my perfect guy. तुमने पहली नजर में प्रतीक को पहचान लिया था. Okay, I'll do it. Thank you so much. Bye. चले. आए तो लव किड्स, एक बार में ट्विंस कर लेंगे. तुम्हें दोबारा लेबर पेन नहीं झेलना पड़ेगा. व्हाट्स योर अवंतिका? लेट मी थिंक. नो. एट आउट ऑफ 10. भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा. तुम्हें उसे बीच रास्ते में नहीं उतारना चाहिए था. भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा. हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई परफेक्ट गाय है ही नहीं. परफेक्ट पार्टनर ढूंढना मतलब परफेक्ट पिक्चर क्लिक करने जैसा होता है. तुम तो फिलोसोफर भी बहुत अच्छे हो. अच्छा, एक और फेवर करोगे क्या? टेल मी. अब मुझे थोड़ा घर का खाना खाने का मन कर रहा है. कोई जगह सजेस्ट करो ना. एक जगह है बट तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं है. खाने के लिए मैं अपना थोड़ा स्टैंडर्ड एडजस्ट कर सकती हूँ. तो ठीक है फिर, घर का खाना खाना ही है तो घर भी खाते हैं. कम टू माई प्लेस. मैं ठीक ठाक खाना बना लेता हूँ. अगर खाना अच्छा लगे तो टिप भी दे देना. डन. अपना एड्रेस मैसेज कर दो. आई विल सी यू टुमारो एट योर हाउस. परफेक्ट. समवन इज लुकिंग रियली हैंडसम. और स्मेल भी अच्छा कर रहे हो. थैंक यू. यू आर आल्सो लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू. वैसे कौन सा डियो है ये? एक्स का नया ड्यूल एक्शन डियोड्रेंट है. नाइस. दिस इज फॉर यू. ओके. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और जब कुछ समझ ना आए तो आइसक्रीम काम करती है. परफेक्ट. आई एग्री. मैं इसे फ्रीजर में रख देता हूँ. यू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल. श्योर. या प्रिटी हाउस. थैंक यू. वैसे कैन आई आस्क यू समथिंग? श्योर, गो ऑन. तुम इतने अच्छे फोटोग्राफर हो तो आप क्यों चलाते हो? तारीफ के लिए थैंक यू. मैं पहले एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करता था. कैबिन में बैठे बैठे पैसे तो आते थे पर मजा नहीं आता था. तो मैंने जॉब छोड़ दी और अपनी सेविंग से गाड़ी ले ली. अब मैं सफर करता हूँ, अलग अलग लोगों से मिलता हूँ और कोई इंटरेस्टिंग मिल जाए ना उनकी पिक्चर्स भी क्लिक कर लेता हूँ. और इस काम की वजह से मैं अपना पैशन भी फॉलो कर पाता हूँ.
नाइस। तुम एक दिन बहुत बड़े फोटोग्राफर बनोगे। पैशन तो सब लोगों के पास होता है, लेकिन उस पैशन के लिए पैशनेट होना बहुत जरूरी है, एंड यू हैव दैट। थैंक यू। जस्ट अ सेकंड ना। आओ। क्या मैं तुम्हारी फोटोज क्लिक कर सकता हूँ? सी, मुझे एक डिजिटल मैगजीन के लिए फोटोज चाहिए, और अगर मेरी खींची हुई पिक्चर सिलेक्ट हो गई ना, तो वो नहीं सोशली पब्लिश भी करेंगे, एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी रेप्यूटेड डिजिटल मैगजीन। लेट मी थिंक। यस, मैं तुम्हें कैसे मना कर सकती हूँ, और तुम्हें मेरी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। Remember, जब तुमने फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को कैंटीन से आइसक्रीम दिलाई थी और फिर उसके टिफिन से उसके कड़ी चावल खाए थे। कम यो।